हमारी लास्ट क्लास में हमने चैप्टर 8 के अंदर कुछ चीज़ों को डिस्कस किया था, पार्टिकुलरली ऑपरेटिंग सिस्टम्स के हवाले से। और यहाँ तक मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से आगे स्टैंड अलोन सर्वर और इम्बेडेड जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिवीजन हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो हम इन्हें डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह, जो कि आज हम डिस्कस करेंगे इन चीज़ों को। सबसे पहले तो मैं आपको स्टैंड अलोन क्लियर कर दूं कि ऐसे सिस्टम जो फुली फंक्शनड होते हैं सिंगल मशीन के लिए, यानी कि एक इंडिविजुअल मशीन और वही आपका कंप्लीट सिस्टम। सर्वर में चीज़ें थोड़ा सा डिफरेंट होती हैं, वो इस तरह से कि सर्वर के अंदर हमें पता है कि सर्वर की जो अपनी मशीन होती है उसके ऑपरेटिंग सिस्टम से हम सारे क्लाइंट्स को कंट्रोल कर रहे होते हैं, तो इसलिए ये शेयरिंग स्कीम बन जाती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। इसके अलावा एम्बेडेड के बारे में हमें एक चीज का आइडिया है कि एम्बेडेड कोई कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बल्कि कोई एक कंप्यूटराइज्ड फंक्शन होता है जो किसी भी डिवाइस के अंदर, या कोई एक रॉम चिप होती है जो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ है एम्बेड कर दी जाती है, तो जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम है वो जनाब आप एम्बेडेड सिस्टम की कैटेगरी में अप्लाई कर रहा है। तो हम इन्हें डिटेल से देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास आते हैं स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। अभी मैंने आपसे जिस तरह से डिस्कस किया था चंद सेकंड पहले कि स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम दैट वर्क्स ऑन अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइसेस या लैपटॉप। तो ये जितने भी सिस्टम्स हम यूज करते हैं जहाँ पे एक इंडिविजुअल मशीन पूरे का पूरा कंप्यूटर सिस्टम होती है, उनके लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होते हैं उन्हें हम कहते हैं कि वो स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, जो कि एक मशीन पे एक पूरे का पूरा सिस्टम वर्क कर रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल विंडोज 7, विंडोज XP, विंडोज 8, विंडोज 10, ये जितनी भी विंडोज हम यूज करते हैं। इसके अलावा जो एप्पल है वो हमें पता है कि मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करता है, तो इसलिए एप्पल के सिस्टम्स पे मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम X, इसी तरह यूनिक्स और लिनक्स, ये बेसिकली सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, यानी कि इनकी एप्लीकेशन हैं, लेकिन इनके कुछ फ्लेवर्स स्टैंड अलोन के लिए भी मार्केट में अवेलेबल है, यूनिक्स का भी और लिनक्स जो है ये फ्री आप कह सकते हैं कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आप इसे कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं नेट से। स्टैंड अलोन की एग्जांपल पहले भी एक दफा हमारी डिस्कशन हुई थी, तो मैंने आपको बताया था कि हम 2012 की बुक को फॉलो कर रहे हैं, तो 2012 तक जो सबसे एडवांस विंडोज थी या ऑपरेटिंग सिस्टम था स्टैंड अलोन के लिए वो विंडोज 7 थी। विंडोज 7 इज माइक्रोसॉफ्ट फास्टेस्ट मोस्ट एफिशिएंट ऑपरेटिंग सिस्टम टू डेट, टिल 12 की हम बात करें 2000, अवेलेबल इन मल्टीपल एडिशंस। विंडोज 7 स्टार्टर में ये इसके डिफरेंट एडिशन थे पहले टाइम पे, अब तो विंडोज 8 आती है, 8.1 आती है, 10 आती है ना, पहले विंडोज XP आती थी तो उसमें XP में सर्विस पैक 1, 2, 3 अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर एक एक विंडो में बने हुए होते थे कि जनाब ये होम बेस के लिए है, ये ऑफिस बेस के लिए है, या एंटरप्राइज बेस के लिए है। तो इसी तरह ये विंडोज 7 भी उसी टाइम की बातें हैं। अब जो है उन्होंने चीजें इस तरह से मर्ज कर दी हैं कि हमें ये प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, बल्कि एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम हम लेके आते हैं और वो हमारा तकरीबन तकरीबन बहुत सारी जगह पे यूज हो जाता है। तो ये विंडोज 7 होम प्रीमियम, विंडोज 7 अल्टीमेट, विंडोज 7 प्रोफेशनल, तो ये हमारी रिक्वायरमेंट के मुताबिक अलग अलग इसके जो एडिशन थे वो हमारे पास है मौजूद थे। ये सारी की सारी किसके लिए यूज हो रही थी? विंडोज 7 स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। अब विंडोज 7 जब 2012 में आई, तो ये आप ये कंसीडर करें कि उस टाइम एक रेवोल्यूशनरी स्टेप था माइक्रोसॉफ्ट का कि उन्होंने विंडोज 7 मार्केट में दी, क्योंकि इसके ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ऑसम थे कंपेरेटिवली पिछलियों से। दूसरा, इसके अंदर उन्होंने विंडोज फायरवॉल लगा दी, जिसे उस टाइम पे जो सबसे बड़ा इशू बना हुआ था सिक्योरिटी का, टिल टाइम भी है, लेकिन उससे पहले इस तरह से मैनेज नहीं किया जाता था सिक्योरिटी को। उसके बाद डीवीडी मेकर, मीडिया प्लेयर इसके अंदर बिल्ट इन आ गया था, डेस्कटॉप गैजेट गैलरी, गैजेट गैलरी आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने देखा होगा,
डिफरेंट गैजेट्स होते हैं, आप अपने डेस्कटॉप के ऊपर कुछ ये वॉचेस वगैरह जो है, वॉल क्लॉक वगैरह, उनको लगा सकते हैं, डिफरेंट मीटर्स लगाते हैं। तो ये पहली दफा जो है ये गैजेट्स जो है ये विंडोज 7 में आए थे, जिसकी वजह से इन्हें ये आप ये कह लें कि एक फीचर, एक्स्ट्रा फीचर के तौर पर मार्केट में माइक्रोसॉफ्ट ने पेश किया था। यहाँ पे ये आपके सामने याहू वगैरह के एमएसएन मैसेंजर शो हो रहे हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये आपके गैजेट्स की एलजी शो हो रही होंगी आपके स्लाइड्स पे। उसके बाद विंडोज 7 के जब हम फीचर्स की बात करते हैं, तो इसके फीचर्स में सबसे पहला फीचर रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस का था। अब अपने टाइम पे इसकी रिलायबिलिटी सबसे अच्छी थी, इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी थी। इससे पहले जो विंडोज एक्सपी वगैरह यूज हो रही थी वो ज्यादा रिलायबल नहीं थी, जल्दी करप्ट होने वाली थी। इसके अलावा इनके अंदर जो परफॉर्मेंस रेलिवेंट इश्यूज थे वो भी थे। मसलन विंडोज एक्सपी में स्लीप पे गया हुआ सिस्टम वापस रिटर्न होने में थोड़ा टाइम लेता था, क्योंकि विंडोज 7 ने उसको रिड्यूस कर दिया। इसी तरह जो ऑटोमेटिकली डिटेक्शन थी प्रॉब्लम की वो विंडोज 7 से स्टार्ट हुई, रिकवरी का जो ऑप्शन था वो विंडोज 7 से स्टार्ट हुआ। इस तरह बहुत सारे फीचर्स थे जो आजकल हमारे लिए बड़े कॉमन यूज होते होंगे, लेकिन उस टाइम तक जब विंडोज 7 मार्केट में आई, अब तो हम एडवांसमेंट्स की तरफ आ चुके हैं ना, विंडोज 10 को यूज कर रहे हैं, लाइव यूज कर रहे हैं, तो उस टाइम तक ये एक अचीवमेंट थी। उसके अलावा इसकी सिक्योरिटी विंडोज 7 की कंपैरेटिवली प्रीवियस से बहुत अच्छी थी, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट इसकी बहुत इम्प्रूव थी, अपेयरेंस और नेविगेशन इसकी बहुत बेहतर थी प्रीवियस से, कम्युनिकेशन एंड इंटरनेट, उस टाइम पे आपको पता है कि इंटरनेट जो है वो मार्केट में एक न्यू टेक्नोलॉजी के तौर पर इमर्ज हो रहा था। तो ये पहली विंडो थी जिसने उसको अच्छे तरीके से सिंक किया था हमारे सिस्टम्स के साथ, या आप ये कह लें कि उसने हमें बेहतर इंटरफेस प्रोवाइड कर दिया था इंटरनेट के साथ कनेक्ट होने का। उसके बाद स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर, जब जैसे मैंने पहले बताया था कि जो हमारा एप्पल के सिस्टम्स है वो मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज करते हैं या मैक ओएस को यूज करते हैं, तो इसमें मैक ओएस एक्स जो है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो जब विंडोज 7 आई थी 2007 या 2012 तक हम इसे कह सकते हैं कि ये मार्केट में मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम्स में से सबसे अप टू डेट था, जो आपकी मैकबुक पे या मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम्स की डिवाइसेस पे यूज हो रहा था या हुआ था, इसे मार्केट में पेश किया गया। और इसमें पहली दफा काफी हद तक जो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था उसको भी इंडक्स किया गया था फुली कमांड बेस्ड जो सिस्टम्स थे उनकी बजाय, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट था ये मार्केट का एक बहुत बड़ा शेयर सिर्फ इस वजह से अपने पास ले रहा था क्योंकि इसकी जो सारी चीजें थी वो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस थी। उसके बाद जैसे मैंने बताया आपको, यूनिक्स मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्टैंड अलोन के लिए भी काम करता है, सर्वर के लिए भी करता है कुछ फ्लेवर इसके। लिनक्स जो है ये बिल्कुल यूनिक्स की तरह का एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन ये ओपन सोर्स है। और ये दोनों लिनक्स और यूनिक्स जो है इनके बारे में आपको एक एक्स्ट्रा चीज बता दूं कि ये आपके माइक्रोसॉफ्ट से बहुत ज्यादा सिक्योर है, इन पे वायरस के अटैक या आपकी हैकिंग क्रैकिंग करना बहुत डिफिकल्ट है माइक्रोसॉफ्ट से। तो इसलिए आप में से अगर किसी का पॉसिबल हो तो आप इनमें से किसी को जरूर ट्राई कीजिएगा। यूनिक्स जो है वो तो आपको ओपन एक्सेस अवेलेबल है, ओपन सोर्स अवेलेबल है, तो आप इसे नेट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं सर्वर बेस। सर्वर कौन सा? जिसमें एक आपका सर्वर और उसके दूसरे सारे क्लाइंट्स, और वो सर्वर के सॉफ्टवेयर को क्लाइंट्स भी यूज कर रहे होते हैं अपने अपने सिस्टम के अंदर। इसकी एग्जांपल इस तरह से कि ये यूट्यूब है, सपोज करें यूट्यूब है। अब यूट्यूब जो है ये एक आपका क्या है, सर्वर है, और दुनिया भर में उसे यूज कर रहे हैं उसके क्लाइंट्स। तो हर क्लाइंट जो है वो सर्वर की मेमोरी को यूज करता है और सर्वर की बहुत सारी प्रोसेसिंग जो है उन्हें यूज करता है और सर्वर के सॉफ्टवेयर को यूज करता है। तो ये सर्वर के लिए जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है ये अलग से यूज होते हैं मार्केट में। विंडोज ने इसके लिए सर्वर 2008 दिया था। यूनिक्स और लिनक्स मैंने आपको बताया बेसिकली थी ही सर्वर बेस्ड, लेकिन इनके कुछ फ्लेवर स्टैंड अलोन के लिए भी थे मार्केट में अवेलेबल। सोलैरिस और नेटवेयर बहुत अच्छी सर्वर बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स थे जिन्होंने स्टैंड अलोन के लिए
कोई मार्केट में प्रोडक्ट नहीं रखी थी, लेकिन ये सर्वर के लिए अपने प्रोडक्ट्स जो है वो अवेलेबल करते थे। उसके बाद विंडोज 2008 जो अभी हमने पढ़ा सर्वर बेस्ड के लिए, ये एक्चुअल में 2003 की अपग्रेडेशन थी। इसके अंदर जो सबसे बड़ा फीचर 2003 से एडवांस करके इन्होंने रखा था वो वर्चुअलाइजेशन थी। अब वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी क्या है कि जिसमें आप एक्चुअल जो आपकी शेयरिंग है उसको सिस्टम पे परफॉर्म नहीं कर रहे होते, बल्कि आप किसी दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर कर रहे होते हैं। ये सिर्फ सर्वर पे हम करते हैं कि हम क्लाइंट के अपनी मेमोरी वगैरह को यूज नहीं कर रहे होते, बल्कि सर्वर से वो सारी चीजें ले रहे होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये सारी जो है ये वर्चुअल टेक्नोलॉजी जो है वो हमारी, और ये सर्वर बेस्ड पे 2008 जो इन्होंने सर्वर विंडोज भेजी थी ऑपरेटिंग सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ने, उसमें ये सबसे पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया गया था। उसके बाद एम्बेडेड सिस्टम की बात हुई थी। एम्बेडेड सिस्टम के बारे में बड़ा क्लियरली मैं आपको एक चीज कंफर्म कर चुका हूँ कि ये कोई इंडिविजुअल ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, बल्कि क्या होता है कि ये कोई ना कोई रॉम चिप होती है जो किसी भी मोबाइल डिवाइस के साथ या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर दी जाती है। तो हम कहते हैं कि ये डिवाइस, ये चिप उसके साथ एम्बेड हो गई है, इसलिए उसे हम एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम कह सकते हैं। और इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज एम्बेडेड सीई, विंडोज फोन 7, पाम ओएस, आईफोन ओएस, मोबाइल फोन्स के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम, ब्लैकबेरी, गूगल एंड्रॉयड, एम्बेडेड लिनक्स और सिम्बियन ओएस या ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सारे के सारे हमारे पास किसके लिए थे? एम्बेडेड के लिए। और एम्बेडेड कौन सा होता है? जहां पे आप कोई एक रोम या एक चिप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के साथ कनेक्ट कर देते हैं जो कि कंप्यूटराइज्ड फीचर्स को परफॉर्म करती है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे घरों में एसी यूज होता है। तो आजकल तो एसी के अंदर भी कंप्यूटराइज्ड चिप्स लगी हुई हैं जो उसे ऑटो ऑन ऑफ की सहूलत देती है। ये आपके सामने बहुत सारी मशीन शो हो रही होंगी, एक मशीन शो हो रही है आपके सामने, ये डिफरेंट कंपनीज के एंड्रॉयड फोन यूज हो रहे हैं, ब्लैकबेरी शो हो रहा है। तो ये सारी की चीजें जो है इनके अंदर एम्बेडेड कंप्यूटिंग थी उस टाइम पे जो थी। अब तो मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो पूरी की पूरी सिस्टम के अंदर ट्रांसफर हो चुकी है। तो जब हम बात करते हैं 2007 या 8 की या 2012 की, तो उस टाइम पे इन्हें एज एन एप्लीकेशन यूज किया गया था किसी एक एप्लीकेशन। ओके, यहां तक ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्लोज हो गया। हमने 8वां चैप्टर स्टार्ट किया था ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम, और अब आके हम एंड अप हो रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को किसके साथ? यूटिलिटी। दो चीजें हमने देखी थी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर या तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है या फिर क्या होता है, यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। और यूटिलिटी प्रोग्राम जो है इन्हें अब हम देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम्स को हम डिटेल से देख चुके हैं। अब जो यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं ये छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं जो यूजर को कुछ मेंटेनेंस रेलिवेंट टास्क परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी देते हैं। A utility program is a type of system software that allow a user to perform maintenance type task, यानी कि चीजों को maintain करने के लिए, manage करने के लिए, छोटे छोटे task जो perform करने के लिए हम use कर सकते हैं। इसकी example में देखिए उसने दिया हुआ है कि use utility for manage file, आपने files रखनी है, उन्हें arrange करके रखना है, उनको sort out करना है, उनको manage करना है। तो ये सारी के सारी जो छोटे छोटे functions हैं utility के। इसी तरह आपने कोई अनवांटेड सॉफ्टवेयर रिमूव करते हैं, अनइंस्टॉल करने हैं, डिस्क क्लीन अप करनी है, तो इसके लिए आपको यूटिलिटी प्रोग्राम की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। उसके बाद डीफ्रेगमेंटिंग, आपको याद होगा जब हम हार्ड डिस्क पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि जब हम सारे के सारे डाटा को अरेंज करके सेक्टर्स के ऊपर रख देते हैं और खाली स्पेसेस जो है उन्हें अलग कर देते हैं तो हम डीफ्रेगमेंटिंग कहते हैं। तो ये डिस्क डीफ्रेगमेंटिंग का जो ऑप्शन है हमारे पास, ये भी एक यूटिलिटी प्रोग्राम है। इसके अलावा रिस्टोर करना और बैकअप करना, बैकअप के बारे में आपको पता है कि जब आप अपना डाटा अपने डिवाइस से किसी दूसरे मीडियम पे ट्रांसफर करते हैं तो आप बैकअप कर रहे होते हैं कि कभी आपके डिवाइस में कोई प्रॉब्लम हो तो आपके पास उसकी डाटा की कॉपी मौजूद हो। इसी का रिवर्स जो है वो रिस्टोर होता है, कि आप बैकअप किए हुए डाटा को वापस अपनी डिवाइस पर
ला रहे होते हैं, तो उसे हम कहते हैं कि हम डाटा को रिस्टोर कर रहे हैं। अब ये फाइल मैनेजर, अभी हमने इसके बारे में बात की है, यूटिलिटी दैट परफॉर्म्स फंक्शन रिलेटेड टू फाइल मैनेजमेंट, जिस तरह से डिस्प्लेइंग अ लिस्ट ऑफ फाइल्स की लिस्ट डिफरेंट स्टाइल से आपके सामने शो करना, उसके बाद फाइलों और फोल्डर्स को ऑर्गेनाइज करना, उनको कॉपी डिलीट रीनेम करना चेंज करना, और चीज़ों के फोल्डर्स के फाइल्स के शॉर्टकट्स बनाना, ये सारे के सारे छोटे छोटे जो टास्क हैं ये मेंटेनेंस रेलिवेंट है, तो यूटिलिटी प्रोग्राम परफॉर्म करते हैं। सर्च यूटिलिटी, आप कोई भी चीज़ यूज कर रहे हो तो आपको पता है उसके ऊपर एक सर्च का ऑप्शन होता है जहाँ से आप चीज़ों को सर्च कर सकते हैं, आप डाटा को सर्च कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी जो आपके पास ऑप्शन आते हैं ये उसे आप सर्च करने के लिए इस यूटिलिटी प्रोग्राम से फायदा उठा सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं, इससे हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह इमेज व्यूअर, आप अपनी इमेज को देखना चाहते हैं, उसे कॉपी करना चाहते हैं, प्रिंट करना चाहते हैं, तो ये आपकी यूटिलिटी यूज होगी। आप किसी फाइल को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपकी अनइंस्टॉलर की जो यूटिलिटी प्रोग्राम्स हैं वो यूज होंगे, जो आपके प्रोग्राम्स को आपकी डिवाइस से अनइंस्टॉल कर देंगे या रिमूव कर देंगे, आपके जो अनवांटेड जितने भी सॉफ्टवेयर होंगे उन सारों को। उसके बाद डिस्क क्लीनअप यूटिलिटी का हमारे पास ऑप्शन आता है। डिस्क क्लीनअप क्या होती है कि हम अपनी डिस्क से जो अनवांटेड फाइल्स होती हैं उन्हें रिमूव करते हैं। इसकी एग्जांपल इस तरह से है, कुछ फाइल्स जब हम खास तौर पर इंटरनेट यूज कर रहे होते हैं ना, डाउनलोडिंग वगैरह या इंस्टॉलेशन कर रहे होते हैं, तो कुछ छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता, कुकीज वगैरह का डाटा होता है वो हमारे सिस्टम में सेव हो जाता है, बाद में हमें डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है। तो हमारे पास यूटिलिटी प्रोग्राम होते हैं डिस्क क्लीनअप के, जो डिस्क के अंदर से ऐसा डेटा जिसकी हमें जरूरत नहीं होती या जो बहुत टाइम से हमने यूज नहीं किया होता उन्हें कंबाइन करके डिलीट कर देता, उसे खत्म कर देता, डिस्क को हमारी को क्लीन कर देता, हमारे लिए अवेल कर देता। इस तरह डाउनलोड प्रोग्राम्स फाइल्स होती हैं जो जब हमें जरूरत नहीं रही, टेम्परेरी इंटरनेट फाइल्स होती हैं जब हम कोई कनेक्शन इंटरनेट से करते हैं तो, डिलीटेड फाइल्स होती हैं जो हमारे डेस्कटॉप में मौजूद होती हैं, और अनयूज्ड प्रोग्राम, ये काफी अरसे तक जब हम किसी प्रोग्राम को यूज नहीं करते तो ये जो डिस्क क्लीनअप होता है ये उसे कंसीडर करता है कि ये प्रोग्राम इसके जरूरत ही नहीं है, ये हमारे पास अननेसेसरी प्रोग्राम है, इसलिए ये उसे जो है वो क्लीन रिमूव कर देता है हमारे सिस्टम से। उसके बाद डिस्क डिफ्रेगमेंटेड, वही हार्ड डिस्क वाली बात कि ये जिस तरह से पहली इमेज पहली ड्राइव आपके सामने मौजूद है, इसमें देखें कि फ्री स्पेसेस और डाटा जैसे जैसे आता गया सेव होता गया। अब इस तरह से हमें कुछ आइडिया नहीं हो रहा कि हमारी कितनी स्पेस अवेलेबल है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को भी परेशानी होगी डाटा को लोकेट करने के लिए, तो हमने क्या किया, पहले वाले डिस्क को डिफ्रेगमेंट कर दिया, उसके डाटा को अरेंज कर दिया, फ्री स्पेसेस को अलग कर दिया और डाटा को अलग कर दिया। इससे क्या हुआ कि अब हमें आइडिया हो रहा है कि हमारी कितनी स्पेस खाली है, और जब हमारे सिस्टम को डाटा को सर्च करना होगा एक्सेस करना होगा तो उसके लिए भी ये काफी हेल्पफुल होगा, उसे ज्यादा इशू नहीं होगा। डिस्क डिफ्रेगमेंटर रिकॉग्नाइजेस द फाइल्स एंड अनयूज्ड स्पेस ऑन अ कंप्यूटर हार्ड डिस्क सो दैट द ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस डाटा मोर क्विकली। जब चीजें अरेंज होंगी मैनेज्ड होंगी तो लाजमी सी बात है कि उसको एक्सेस करना बहुत ईजी होगा हमारे सिस्टम के लिए भी और हमारे लिए भी। उसके बाद ये बैकअप और रिस्टोर, बैकअप क्या है, आपका डाटा आपकी डिवाइस से किसी दूसरे मीडियम पे स्टोर करना, और रिस्टोर उसका रिवर्स है, यानी कि बैकअप किए हुए डाटा को वापस अपने डिवाइस पे। दोबारा से बता रहा हूं कि बैकअप और रिस्टोर, बैकअप क्या है, आपका डाटा पर्सनल डिवाइस से किसी दूसरी डिवाइस पे शिफ्ट करना और इसको रिवर्स करना, यानी कि दूसरे किसी स्टोरेज मीडियम से, यहाँ पे कोई स्टोरेज मीडियम है, स्टोरेज मीडियम से अपनी पर्सनल डिवाइस पे लेके आना, इसे हम रीस्टोर करना कहते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह आप लोग इमेजेस रीस्टोर करते हैं या इमेज को या अपने व्हाट्सएप ये डाटा को बैकअप करते हैं, तो ये सारी सारी ऑप्शंस वहाँ पे आपकी यूज होती हैं, और इन्हें हम यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं क्योंकि ये मेंटेन डाटा को मेंटेन करने मैनेज करने के लिए यूज हो रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास स्क्रीन सेवर्स हैं। स्क्रीन सेवर्स आप सब लोग
जानते होंगे कि हमारे कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स, हम जब बात करते हैं ना अपनी स्क्रीन्स की, डिस्प्ले स्क्रीन्स की, तो सम टाइम हम स्क्रीन के ऊपर स्क्रीन सेवर को सेट कर देते हैं, जो जब हम यूज नहीं कर रहे होते तो वहां पे उसके ऊपर कुछ मूविंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो मूव करते हुए हमें नजर आ रहे होते हैं, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, स्क्रीन सेवर है। इसके अलावा पर्सनल फायरवॉल्स, पर्सनल फायरवॉल्स क्या होती हैं कि जिस तरह से हमारा सिस्टम, जो हमारा पर्सनल सिस्टम है वो रिस्क पे है, हम उसे सिक्योर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पर्सनल फायरवॉल्स अवेलेबल होती हैं, जिससे क्या होता है कि हमारे सिस्टम को हमारे अलावा कोई दूसरा बंदा एक्सेस नहीं कर सकता, या एटलीस्ट उसे नबील असलम, बेटा आपका नाम यहाँ पे शो हो जाता है इसलिए प्लीज। पर्सनल फायरवॉल क्या कहती है कि पर्सनल कंप्यूटर हमारे जो होते हैं उसे अनऑथराइज्ड एक्सेस से बचाती है। उसके बाद हमारे पास जो फायरवॉल्स कुछ होती हैं वो हमें, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना उसके अंदर से दी जाती है, उसके अंदर बिल्ट इन होती है, और कुछ जो है वो हम एक्सटर्नल के तौर पर भी अपने सिस्टम के अंदर क्रिएट कर सकते हैं एक्स्ट्रा के लिए, ताकि हमारा सिस्टम मोर सिक्योर हो जाए। उसके बाद हमारे पास वायरसेस का एक कॉमन प्रॉब्लम रहता है, वायरस वायरस, अब ये जिस तरह ह्यूमंस में वायरस हो तो वो ह्यूमन हेल्थ को डैमेज करना स्टार्ट कर देता है, इन्फेक्ट करता है चीजों को, इसी तरह जब सिस्टम्स के अंदर वायरस आता है ना बेटा, तो वो सिस्टम को भी डैमेज करना स्टार्ट कर देता है। अ वायरस डिस्क्राइब अ पोटेंशियली डैमेजिंग कंप्यूटर प्रोग्राम दैट अफेक्ट्स अ कंप्यूटर नेगेटिवली, यानी कि वो आपके कंप्यूटर की वर्किंग को या तो रिड्यूस कर देता है या आपके रिक्वायर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें डिस्टर्ब कर देता है, तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास क्या है, वायरस है, जो नॉर्मल वर्किंग नहीं करने दे रहा। उसके बाद वायरस की दो बेसिक टाइप्स हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है वर्म, अपने आप को खुद कॉपी करता रहता है, यानी कि अपने आप को कॉपी करता रहता है और हमारी स्पेस फिल होती जाती है, जिस तरह आपने एक फाइल रखी है ना माई कंप्यूटर में एबीसी के नाम से, तो आप जब दोबारा से उसे फोल्डर को ओपन करें तो अंदर 10 एबीसी की फाइलें पड़ी हो, इसका मतलब है उसके अंदर जो आपका वायरस है ना वो वर्म का वायरस जो है वो आ चुका है। उसके बाद ट्रोजन हॉर्स, दूसरी टाइप का आपके पास वायरस है, ये हिडन वायरसेस है, ये आपके ओरिजिनल प्रोग्राम की तरह बिल्कुल, जो आपने ओरिजिनल प्रोग्राम रखे हुए फाइल रखे उन्हीं की तरह लगेगा, आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। अब इनके सोल्यूशन के लिए हमारे पास डिफरेंट एंटीवायरस प्रोग्राम्स जो है वो यूज होते हैं, जो हमारे वायरसेस को डिटेक्ट करते हैं, उन्हें रिमूव करते हैं और हमें उनके बारे में इन्फॉर्म करते हैं कि अब आपके सिस्टम के अंदर वायरस जो है वो डिटेक्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये एंटीवायरसेस हमें ऑनलाइन भी अवेलेबल होते हैं, और अब जो नई विंडोज आ रही हैं, अगर हम विंडोज 10 की बात करें तो उसके अंदर बिल्ट इन एंटीवायरस का ऑप्शन मौजूद है, जो कि ज्यादा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन राइज होता है कि जब हम कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो हमें कैसे पता चला सिस्टम में वायरस आ गया है। अब ह्यूमंस में या इंसानों में हमें वायरस आते हैं तो उसके कुछ ना कुछ सिम्टम्स होती हैं, कुछ ना कुछ अलामत होती हैं जिन्हें देख के कहा जाता है कि अच्छा इसको वायरस हो गया है। तो क्या कंप्यूटर्स के भी कुछ सिम्टम्स होती हैं? तो आप कंप्यूटर की जो सिम्टम्स हैं उन्हें हम वन बाय वन देखते हैं कि कैसे पता चलता है कि वायरस इन्फेक्ट हो चुका है हमारा। सबसे पहला, एन अनयूजुअल मैसेज और इमेज डिस्प्लेइंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कि आपकी स्क्रीन के ऊपर कोई एक मैसेज बार बार आना शुरू हो जाए, या कोई इमेज फ्लोट करना शुरू हो जाए, या आप इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो साथ के साथ कोई इमेज आना स्टार्ट हो जाए या मैसेज बार बार आना शुरू हो जाए, तो इसका मतलब है कि सिस्टम में कहीं ना कहीं से वायरस आ चुका है। दूसरा, अनयूजुअल साउंड और म्यूजिक, आपने कोई चीज प्ले ही नहीं की हुई,
और कुछ आपको साउंड सुनाई दे रही है, कोई म्यूजिक सुनाई दे रहा है, कोई ट्यून सुनाई दे रही है, इसका मतलब है जब आप वो काम नहीं कर रहे तो वो काम कौन कर रहा है? इसका मतलब है आपके नेटवर्क पे कुछ ना कुछ अनवांटेड ट्रैफिक जो है वो मूव कर रही है, जिसका आपको आइडिया ही नहीं है। तो वो कौन कर रहा है? वो आपके वायरस प्रोग्राम्स कर रहे हैं जो कि आपकी बात मानने को तैयार नहीं है। उसके बाद तीसरे नंबर पे समटाइम हमारे पास ये प्रॉब्लम आती है कि हमारी मेमोरी काफी पड़ी होती है लेकिन हमारी डिवाइस हमें बताती है कि आपके सिस्टम की मेमोरी लो है। इसकी एग्जांपल अगर हम लेना चाहें तो मैं बड़ी सादा सी एग्जांपल आपको दूं। जिन लोगों के पास पुराने वाले मोबाइल फोन्स हैं एंड्रॉइड के, उन पे एक बेसिक प्रॉब्लम आता है कि आपके पास अच्छी खासी मेमोरी पड़ी होती है लेकिन आपको मैसेज आ जाता है कि लो ऑन मेमोरी, आपके सिस्टम की मेमोरी फुल हो रही है, शॉर्ट स्टोरेज है, प्लीज डिलीट करें फाइल्स को, ये करें। इसका मतलब क्या है कि आपके सिस्टम के अंदर वायरस आ चुका है। उसके बाद फोर्थ क्या है कि अचानक से आपकी फाइल्स जो है वो गायब होना स्टार्ट हो जाए। आपने एक फाइल कॉपी की लेकिन जब दोबारा आपने सिस्टम को ओपन किया या उस फाइल की आपको जरूरत पड़ी, आपने चेक किया, वो फाइल ही मिसिंग है। इसका मतलब है वायरस ने उस फाइल को वहां से रिमूव कर दिया। या इसकी पांचवी ऑप्शन कि कोई एक ऐसा प्रोग्राम जिसका कभी जिक्र ही नहीं किया आपने, ना आपने इंस्टॉल किया, ना आपको जरूरत है, ना कभी आपने यूज किया, लेकिन जब आप सिस्टम को ओपन करते हैं तो देखते हैं लो जी यहाँ पे तो कुछ नए प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहे हैं या कुछ नए प्रोग्राम शो हो रहे हैं। इसका मतलब है कि आपके सिस्टम को वायरस इन्फेक्ट कर चुका है। उसके बाद आपकी जो फाइल्स उसमें पड़ी होती हैं उनका साइज ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाए, या तो वो ज्यादा होने लग जाए या वो कम होने लग जाए। तो इससे भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि आपका सिस्टम जो है वो इन्फेक्टेड हो चुका है। उसके बाद सेवंथ पे, आपने अपने सिस्टम के अंदर कोई फाइल रखी, जब आप उसे ओपन करने लगे तो आपको पता चला कि फाइल तो करप्ट हो चुकी है, फाइल ओपन ही नहीं हो सकती। तो इसका मतलब है कि इस करप्शन के पीछे जो आपकी फाइल करप्ट हुई है किसी न किसी वायरस का हाथ जरूर है। इसका एट्थ पॉइंट है अ प्रोग्राम और फाइल डज नॉट वर्क प्रॉपरली। आपने मसलन आपके सिस्टम में वायरस आया और आपने पावर पॉइंट ओपन किया कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए या किसी प्रेजेंटेशन जो उसमें पड़ी हुई थी उस पर क्लिक किया चलाने के लिए, वो चल ही नहीं रही, वो सॉफ्टवेयर खुल ही नहीं रहा। इसका मतलब है कि कहीं से उसकी फाइल्स जो हैं वो आपके वायरस क्राफ्ट कर चुके हैं। या फिर नाइन्थ ऑप्शन कि आपके सिस्टम की प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाए, सिस्टम प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली चेंज होने लग जाए आपके नॉलेज के अलावा, यानी कि आपको पता ही ना हो, आपने सिस्टम की प्रॉपर्टीज को छेड़ा ही ना और वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए। या फिर लास्ट वन है कि आपका सिस्टम नॉर्मल से स्लो वर्किंग स्टार्ट कर दे। तो ये समटाइम्स वायरस की वजह से आपके सिस्टम की जो एफिशिएंसी है, जो आप उसकी वर्किंग है, जो उसकी स्पीड है, वो कंप्रोमाइज हो जाती है। तो ये सारी वो सिम्टम्स थी जो कि तकरीबन 10 हमने अभी डिस्कस की है, जिसकी बेस पे आप कह सकते हैं कि आपका सिस्टम जो है वो क्या हो चुका है, इन्फेक्टेड है या नहीं है, उसमें वायरस है, या एटलीस्ट इसमें से कोई एक सिम्टम शो हो तो आपको क्या करना चाहिए, उसे चेक जरूर करना चाहिए। चेक करने का बड़ा सिंपल मेथड है कि आपके पास डिफरेंट एंटीवायरसेस अवेलेबल हैं, आप अपने सिस्टम को स्कैन कर लें तो पता चल जाएगा कि उसके अंदर प्रॉब्लम है या नहीं है। उसके बाद ये एक प्रोग्राम होता है स्पाईवेयर, जिस तरह हम वो स्पाई मूवीज देखते हैं ना कि डिफरेंट कंट्रीज के जासूस होते हैं, किसी को पता ही नहीं होता दूसरे कंट्री में आके एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहे होते हैं, इसी तरह हमारे नोटिस किए बगैर हमारे ही सिस्टम में कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम रख दिया जाता है जो हमारी इंफॉर्मेशन या हमारा रिक्वायर्ड डाटा चोरी करना शुरू कर देता है, तो उसे हम कहते हैं वो स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर इज अ प्रोग्राम प्लेस्ड ऑन अ कंप्यूटर विदाउट द यूजर नॉलेज दैट सीक्रेटली कलेक्ट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर। हमें पता नहीं है लेकिन हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो रही है, उसे हम कहते हैं स्पाईवेयर। और इसका बड़ा आसान सा ट्रीटमेंट है
और वो है स्पाईवेयर रिमूवर। आप स्पाईवेयर रिमूवर जो है वो इंस्टॉल करें, वो ऑटोमेटिकली स्पाईवेयर को डिटेक्ट भी करेगा और फिर डिलीट भी कर देगा और आपको इन्फॉर्म भी कर देगा। उसके बाद एडवेयर, एडवेयर क्या होते हैं कि जब आप सिस्टम यूज करने लगे, मसलन आप इंटरनेट यूज करते हैं और आपकी स्क्रीन पे ऑटोमेटिकली पता नहीं कहां कहां से डिफरेंट एड्स एडवर्टाइजमेंट्स आना स्टार्ट हो जाती हैं, और जब जब आप नेट यूज करते हैं आप खोलते भी नहीं और वो एड्स खुलने लग जाती हैं, तो ऐसे में कंडीशन में वहां पे एडवेयर का प्रॉब्लम आ चुका है। तो इसके लिए आपको एडवेयर रिमूवर यूज करना पड़ेगा जो आपके उन एड्स को ऑटोमेटिकली रिमूव करके आपको बता देगा या क्या करेगा, एटलीस्ट उन एडवर्टाइजमेंट्स को आपको रिपोर्ट टाइमली कर देगा कि आप उनके खिलाफ एक्शन ले सकें। आपको आइडिया हो जाए कि कहीं ना कहीं पे आपकी कुछ चीजें कंप्रोमाइज हो रही हैं। उसके बाद अगला यूटिलिटी प्रोग्राम है फिल्टर्स का। फिल्टर्स के बारे में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स के फिल्टर होते हैं। जिस तरह आजकल हम ये कोविड 19 की वजह से मास्क लगा रहे हैं, तो मास्क के अंदर फिल्टर होता है जो हमारे एयर को प्योर करता है ताकि हमारे जो जर्म्स है वो हम तक पहुंच ना सके। इसी तरह हमारे सिस्टम्स के अंदर बहुत सारे फिल्टर्स होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के पास, जिनके थ्रू हम अपनी रिक्वायर्ड डाटा जो होता है उसे स्ट्रीम करने देते हैं या उसे पास आउट करने देते हैं, बाकी को ब्लॉक कर देते हैं। मसलन फिल्टर्स आर प्रोग्राम्स दैट रिमूव और ब्लॉक सर्टेन आइटम फॉर बीइंग डिस्प्लेड। वेब फिल्टरिंग सॉफ्टवेयर, आप बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जो पाकिस्तान में आप नहीं देख सकते, इसका मतलब फिल्टर लगा हुआ है। इसी तरह आप बच्चों के लिए अपने घर में अगर अपने नेटवर्क को कंट्रोल करना चाहें तो वहां पे वेबसाइट फिल्टर लगा दें कि बच्चे कौन कौन सी वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं और कौन कौन सी को नहीं कर सकते। एंटी स्पैम प्रोग्राम, ये भी आपको हेल्प आउट करते हैं आपकी हैकिंग में। फिशिंग फिल्टर्स या पॉपअप ब्लॉकर्स, आप जब भी कोई वेबसाइट जो है वो ओपन करते हैं तो नीचे से अचानक से नए नए पॉपअप खुलना शुरू हो जाते हैं, नई स्क्रीन खुलना शुरू हो जाती है, नई नई एडवर्टाइजमेंट खुलना शुरू हो जाती है, आपकी अनवांटेड चीजें जो है वो सारी की सारी शो होना शुरू हो जाती है। तो आप फिल्टर लगा सकते हैं कि किस किस्म की एडवर्टाइजमेंट, किस किस्म के पॉपअप्स आप परमिट कर रहे हैं और किस किस्म के पॉपअप्स जो हैं उनसे आप डिनाई कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको हेल्प आउट करती हैं। उसके बाद अगला यूटिलिटी प्रोग्राम है फाइल कंप्रेशन यूटिलिटी, फाइल को कंप्रेस करना। देखिए नॉर्मली जब हम फाइल बनाते हैं ना तो वो लूजली पैक्ड होती है, उसके अंदर जो स्पेस होती है ना वो नॉर्मल से ज्यादा उसने ऑक्यूपाई की हुई होती है क्योंकि वो बड़ी रिलैक्स होती है। जब हम उसको कंप्रेस कर देते हैं, जिसका बेहतरीन कंप्रेस सॉफ्टवेयर जो है वो जिप है, WinRAR, जो जिप फाइल्स हम यूज करते हैं, तो ये उसमें क्या करता है कि जो एक्स्ट्रा स्पेसेस होती है ना उसे खत्म कर देता है, उन एक्स्ट्रा स्पेसेस खत्म करके टाइटली पैक कर देता है। तो उसका फायदा क्या होता है कि आपकी जिप्ड फाइल में वायरस के अटैक्स होने का चांस बहुत हद तक कम होता है, रिड्यूस हो जाता है। तो फाइल कंप्रेशन की फैसिलिटी यूटिलिटी जो है ना सिर्फ हमें मेमोरी और स्पेस प्रोवाइड करती है एक्स्ट्रा, बल्कि उसके अंदर हमें जो वायरस अटैक्स हैं उन्हें भी काफी हद तक प्रिवेंट करती है, हमारे डाटा को उसे उनसे बचाती है। उसके बाद मीडिया प्लेयर, आप सारे बड़ी अच्छी तरह वाकिफ हैं, तस्वीरें देखनी हो, ऑडियो सुनना हो, वीडियो देखनी हो, उसके लिए एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, एक छोटा सा प्रोग्राम होता है जिसे हम मीडिया प्लेयर कहते हैं। वो किसके लिए होता है, अलाउ यू टू व्यू इमेजेस एंड एनिमेशन, लिसन टू ऑडियो एंड वॉच वीडियो। तो ये सारे काम करने के लिए आपको जो यूटिलिटी प्रोग्राम चाहिए होता है वो कौन सा होता है, वो होता है आपका मीडिया प्लेयर। जिस तरह आजकल VLC मीडिया प्लेयर एक कॉमन मीडिया प्लेयर है जिसके अंदर बहुत सारी टाइप्स की फाइल्स हैं वो एक साथ ओपन हो सकती हैं, तो वो यूटिलिटी प्रोग्राम है। डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर, अगर आप अपने कोई सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम किसी CD या DVD के ऊपर मूव करना चाह रहे हैं तो उसके लिए डिस्क बर्निंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। नॉर्मली जो करंट ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हैं उनके अंदर ये बिल्ट इन होते हैं, लेकिन हम 2012 या पुराने सिस्टम की या 2000 विंडोज 7 की बात कर रहे हैं तो उसमें हमें अलग से ये सॉफ्टवेयर चाहिए होते थे जो उस डिस्क को बर्न करने के लिए यूज होते थे, उस डिस्क के ऊपर डाटा को कॉपी करने के लिए यूज होते थे हमारे सिस्टम से, जो राइटेबल या री राइटेबल ड्राइव डिस्क होती थी उनके अंदर। इसी तरह
पर्सनल कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जो आपको हेल्प आउट करता है कि आपके जितने भी प्रॉब्लम सिस्टम में आते हैं वो आपको बता देता है, आइडेंटिफाई एंड फिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉब्लम, उन्हें आइडेंटिफाई करके आपको इन्फॉर्म करेगा, कोशिश करेगा फिक्स करने की, नहीं कर सकता तो आपको मेथड बताएगा कि कैसे कर सकते हैं, डिटेक्ट एंड रिपेयर डिस्क प्रॉब्लम, अगर आपकी हार्ड ड्राइव के अंदर कोई इश्यूज आ रहे हैं, कोई बैड सेक्टर्स आ रहे हैं तो उन्हें डिटेक्ट करेगा, रिपेयर करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा, एंड इंक्लूड द कैपेबिलिटी ऑफ इंप्रूविंग अ कंप्यूटर परफॉर्मेंस। जब ये सारी वो उन प्रॉब्लम्स को डिटेक्ट करके रिमूव करेगा या रिमूव करने की कोशिश करेगा या एटलीस्ट आपके नोटिस में देगा, तो उससे और कोई फायदा हो ना हो, एक फायदा जरूर होगा कि आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पहले से बहुत ज्यादा बेहतर हो जाएगी, उसकी वर्किंग पहले की निस्बत बेहतर हो जाएगी, और ये सारी की सारी ऑप्शंस आपको कब मिलेंगी, जब आपके सिस्टम के ऊपर पर्सनल कंप्यूटर मेंटेनेंस यूटिलिटी जो एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है आपके सिस्टम को मेंटेन करने के लिए, वो इंस्टॉल्ड होगा। और इसकी इंस्टॉलेशन ज्यादा मुश्किल भी नहीं होती, अब हमें इसकी जरूरत नहीं है, विंडोज 10 में ये ऑलरेडी होती है जो हमें चीजें प्रोवाइड कर रही होती है, शो कर रही होती है। इसके साथ ही बेटा हमारा चैप्टर 8 एंड हुआ, हमने अब बहुत थोड़ा सा कोर्स रहता है, इंशाल्लाह इस वीक में हम उसे वाइंड अप कर जाएंगे, एंड कर जाएंगे, और नेक्स्ट वीक में हम रिवीजन की तरफ चलेंगे। आई थिंक आप